छात्र नेता और पूर्व विधायक शहीद रविंद्र सिंह की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी एवं सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित अन्य छात्र नेताओं ने छात्र संघ चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने बताया कि शहीद रविंद्र सिंह छात्रों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए तथा नौजवानों के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया और डीडीयू विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे तथा विधायक भी रहे। उन्होंने कहा, हम सब उनसे प्रेरित होकर छात्र राजनीति में सक्रिय हुए तथा उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने छात्र नेताओं से अपील करते हुए कहा कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह के संघर्षों से प्रेरणा लेकर उनके पदचिन्हों पर चलने का कार्य करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह, सूर्यप्रकाश कौशिक, शुभम मिश्रा, मनीष पांडे, अनिल दुबे सहित भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक शीतल पांडे और देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा, रविंद्र सिंह का नाम रहेगा, रविंद्र सिंह का नाम रहेगा। विधायक जी, स्वर्ग रविंद्र सिंह जी छात्र नर्सरी पैदा किए थे और छात्र राजनीति वर्तमान राजनीति की नर्सरी है। यहाँ से ही युवाओं में जज्बा, उत्साह और अपने ऊर्जा का संचार जो भरने का काम नौजवानों में रविंद्र सिंह जी ने किया, वो नहीं किया कोई। वो अनचैलेंज्ड लीडर थे पूरे देश के युवाओं के और जेपी मूवमेंट के संयोजक थे उत्तर प्रदेश के। दो दो विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष रहे छात्र संघ के और उनके भाषण में वो जादू था कि दुश्मन भी उनसे प्रभावित होते थे। और आज भी 40 साल कितना हो गया, 40 साल के बाद, 42 साल के बाद आज भी नौजवानों की धड़कन बने हुए हैं रविंद्र सिंह जी। जब भी कोई चर्चा होती है युवा में तो रविंद्र सिंह जी का नाम जरूर लिया जाएगा। यही मैं कहते हुए अपना श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे नेता रविंद्र सिंह जी ने संघर्ष को अपना आदर्श मान करके अत्याचार अनाचार के खिलाफ संघर्ष करके जो उन्होंने रास्ता चुना था, यही हम नौजवानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी अत्याचार अनाचार हो वो डट के विरोध करें। स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी स्वयं में युवकों के लिए प्रेरणा थे और संघर्ष के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए और गांव के लिए और विशेष करके नौजवानों के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया। शासन के अध्यक्ष रहे, फिर विधायक रहे और उनकी अलग अपनी एक पहचान रही और हम सब उनसे प्रेरित होकर के छात्र राजनीति में प्रवेश किए और आज भी उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते रहते हैं। ऐसे स्वर्गीय रविंद्र सिंह के स्मृति में आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। साथ नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि उनके जीवन को अध्ययन करें, उससे प्रेरणा लें और राष्ट्र और प्रदेश के लिए संघर्ष करें, काम करें।